सो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल गरिमा रेसिपीज को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा और गरिमा रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से हम IFB डिशवॉशर को यूज कर सकते हैं। आज इसका पर्टिकुलर मॉडल नेपच्यून SX1 का मैं रिव्यू करने जा रही हूँ। क्या उसके फीचर्स हैं, किस तरीके से वर्क करता है एंड प्रॉपरली क्लीन होता है या नहीं होता, और जो उसकी प्राइस है क्या उसको वो जस्टिफाई करता है, वर्थ इट है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से IFB डिशवॉशर नेपच्यून SX1 वर्क करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे फेसबुक पर। मेरे फेसबुक का लिंक ये रहा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, ये रहा IFB का नेपच्यून SX1 डिशवॉशर। इसकी बॉडी की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि स्टेनलेस स्टील बॉडी है, अट्रैक्टिव बॉडी है एंड ऊपर यहाँ पर फ्रंट साइड में पैनल दिया हुआ है। आप प्रेस कर सकते हैं इजीली और आप फ्रंट साइड से आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं डिशवॉशर को। अब आइए देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले मैं इंटरनली आपको खोल कर दिखा देती हूँ इसको। इंटरनली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 बास्केट दे रखी है, 1, 2 एंड बहुत छोटी सी बास्केट दे रखी है, जिससे कि इजिली हमारी स्पून्स वगैरह, हम यहाँ पर छोटे छोटे जो चीजें हैं वो इस बास्केट में रख सके। जस्ट बिकॉज के अगर हमारे बर्तन ज्यादा होते हैं तो हम स्पून्स को या छोटे छोटे जो बर्तन हैं उनको हम इधर इस टॉप मोस्ट बास्केट में रख सके एंड बाकी हमारे जो बर्तन है वो इनको इजिली हम यहाँ इन 2 रैक्स में मैनेज कर सके। एंड यहाँ पर आप ये पैनल देख सकते हैं, ये पैनल है जहाँ पर डिशवॉशर की जो टैबलेट होती है वो रखा जाता है, यहाँ पर उसका लिक्विड सोप सॉल्यूशन रखा जाता है। अंदर पैनल में आप जैसा देख सकते हैं, इस पैनल में हम इसको इस तरीके से ओपन करते हैं, यहाँ पर इसका डिटर्जेंट रखा जाता है। सो प्रॉपरली क्लीनिंग डिटर्जेंट इस वाले पैनल में रखा जाता है एंड लिक्विड इस वाले पैनल में पोर किया जाता है। आप इसको इजिली मैनेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर साइन देके रखा हुआ है, 1, 2, 3, 4। आप लिक्विड को पोर करेंगे एंड फिर उसके बाद में इसको इस तरीके से लगा देंगे। बट सबसे ज्यादा कंफर्टेबल टैबलेट्स होती है, तो बेटर है कि आप टैबलेट्स को यूज करें। अगर आपको टैबलेट को इस बॉक्स में नहीं रखना है देन फिर आप टैबलेट को बहुत इजिली यहाँ पर कहीं पर भी इस डिशवॉशर के अंदर रख सकते हैं एंड अपने आप जो टैबलेट होगी वो डिजोल्व हो जाएगी। अभी मैं जब आपको प्रॉपरली उसका फंक्शनिंग बताऊंगी कि किस तरीके से टैबलेट को हम रख सकते हैं, आपको फर्दर इस वीडियो में पता चलेगा। नेक्स्ट, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि इसके 2 रोटेटिंग आर्म्स हैं इंटरनली, एक ऊपर की तरफ है एंड एक ये नीचे की तरफ है। ये रोटेटिंग आर्म्स इसलिए हैं जिससे कि जो पानी होता है, जैसा कि आप यहाँ पर होल्स देख रहे हैं, यहाँ से पानी निकलता है एंड प्रॉपरली इस तरीके से रोटेशन में जब हमारा डिशवॉशर ऑन होता है तो इस तरीके से ये जो आर्म्स है रोटेट करते हैं एंड सारी तरफ जो पानी है वो स्प्रिंकल कर देता है। और जैसा इसमें 3 रोज हैं तो आप ये ऊपर भी देख सकते हैं, ये मैंने 3rd रो निकाली है, तो ऊपर भी आर्म्स हैं बट वो फिक्स्ड है। ऊपर से जो पानी निकलेगा वो डायरेक्टली हमारे बर्तनों पर गिरेगा एंड देन फिर इन ये दोनों जो आर्म्स है वो इस तरीके से रोटेट करेंगे जिससे कि ओवरऑल डिशवॉशर में पानी जो है वो प्रॉपरली जा सके एंड यूटेंसिल्स जो है वो इजिली क्लीन हो सके। अब आइए मैं आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमें डिशवॉशर में बर्तन प्लेस करने चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर हम अपने बर्तनों को प्रॉपरली प्लेस नहीं करते हैं, उसको प्रॉपरली लोड नहीं करते तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड प्रॉब्लम्स क्या आती है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी हुई है एंड उस वीडियो को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप प्लीज उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो मैंने क्लियरली उसमें डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से हम डिशवॉशर को प्रॉपरली लोड कर सकते हैं एंड अगर हम डिशवॉशर को प्रॉपरली लोड नहीं करें तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, प्रॉपरली लोड करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से यूटेंसिल्स को लोड किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं, ये जो बास्केट्स होती हैं वो रोटेटिंग होती हैं, आप इनको हटा सकते हैं इजिली। जब कभी भी आपको डिशवॉशर को क्लीन करना है तो आप इस बास्केट को हटाकर एंड डिशवॉशर को आसानी से क्लीन कर सकते हैं। डिशवॉशर को किस तरीके से क्लीन करना है उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक शेयर कर दूंगी। सो प्लीज आप उस लिंक को जाकर देखिए एंड देखिए कि किस तरीके से डिशवॉशर को बहुत आसानी से एंड बहुत ही इजी तरीके से क्लीन किया जाता है। तो यहाँ पर हमने इस बास्केट को निकाल दिया है, मूवेबल बास्केट है। अब जैसा कि आप यहाँ पर इस बास्केट में पार्ट्स देख रहे हैं, काफी आप ये इस तरीके से स्पाइक्स देख रहे हैं, ये स्पाइक्स इसलिए दिए हुए हैं कि जिस अगर आपके पास में प्लेट्स ज्यादा हैं तो आप हर एक एक डिवीजन में इजीली अपनी प्लेट्स लगा सकते हैं। इन केस अगर आपके पास में इतनी सारी प्लेट्स नहीं है और बाकी और बर्तन है जैसे कढ़ाई कुकर वगैरह इस तरीके से हैं
सो आप इनको इजीली इस तरीके से बंद कर सकते हैं. ये डिवीजन आपका बंद हो गया, आपको काफी सारी स्पेस मिल गई. स्टिल अगर आपको लगता है कि आपके पास में स्पेस कम है तो फिर आप इस वाले डिवीजन को भी इस तरीके से बंद कर सकते हैं. ये बहुत आसानी से बंद और खुल सकता है. तो आपके पास में ऑलमोस्ट आधी बास्केट हो गई जहां पर आप अपने इतने बड़े यूटेंसिल्स आराम से रख सकते हैं. बाकी यहाँ पर आप प्लेट्स या छोटी छोटी कटोरी आप आराम से एडजस्ट कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द सेकेंड रो. सेकेंड रो इज एडजस्टेबल. ये बहुत आसानी से एडजस्ट हो जाती है. आप इसको ऊपर नीचे भी बहुत आराम से कर सकते हैं. सपोज आपके जो बर्तन है वो यहाँ पर लो हाइटेड है तो आप इसको आराम से इस तरीके से नीचे ऐसे उठाकर और इस तरीके से नीचे रख सकते हैं. अगर आपका नीचे जो बर्तन आपने बड़ा बर्तन रखा हुआ है और वो आपकी रैक में लग रहा है और उसकी वजह से जो हमारा आर्म है वो प्रॉपरली घूम नहीं रहा, रोटेट नहीं हो रहा, तो आप इसको आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं. एडजस्ट हमें सिर्फ इसको इस तरीके से उठाना है एंड ये हमारा जो रैक है वो बिल्कुल एडजस्ट हो गई. सो दिस रैक इज एडजस्टेबल. बट ये याद रखिए जब कभी भी आप बर्तनों को प्लेस करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इसके जो आर्म्स है वो कंप्लीटली रोटेट होते रहने चाहिए. उसके अंदर कोई हिंड्रेंस नहीं आना चाहिए. अदरवाइज हमारे बर्तन जो है वो कंप्लीटली वॉश नहीं होंगे, अच्छी तरीके से वॉश नहीं होंगे. और सबसे बड़ी बात है डिशवॉशर के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा एंड उसकी वजह से हमारा डिशवॉशर खराब भी हो सकता है. दिस इज द थर्ड रो. अगर आपको यूटिलिटी की जरूरत नहीं लगती है तो फिर आप इसको नहीं भी यूज कर सकते हैं. बट ये चम्मच वगैरह रखने के लिए काफी हेल्पफुल है और आपको अगर कभी भी क्लीन करना हो तो आप इसको इस तरीके से हटाकर क्लीन भी कर सकते हैं. तो ये आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इस रो को और आप आसानी से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं. अब आइए थोड़े से बर्तन लगाना शुरू करते हैं एंड डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि किस किस तरीके से इसके फीचर्स हैं, किन अलग अलग मोड्स को हम इस डिशवॉशर में यूज कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं मेरे पास में एल्यूमिनियम की भगोनी है और ये मेरा बड़ा बर्तन है तो मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से प्लेस कर सकती हूँ. बट एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जब कभी भी आप डिशवॉशर में चीजें डालें तो जो भी वेस्ट होता है, फूड वेस्ट होता है जो हम अपनी प्लेट्स में रख देते हैं, सो बेटर है उन वेस्ट को हम डस्टबिन में डाल दें एंड देन फिर उसके बाद में इस तरीके से हम बर्तनों को डिशवॉशर में प्लेस कर दें. अगर हम कोई भी फूड पार्टिकल या फिर ज्यादा कोई फूड पार्टिकल या लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स को हम अपने डिशवॉशर में डालेंगे तो वो क्लीन तो करेगा बट डिशवॉशर के जो फिल्टर है उसके ऊपर काफी लोड आएगा. अब आप यहाँ पर डिशवॉशर का फिल्टर देख सकते हैं. ये डिशवॉशर का फिल्टर है, बहुत आसानी से निकल जाता है. यहाँ पर लॉक और अनलॉक का साइन देकर रखा हुआ है. हम अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इस तरीके से फिल्टर बाहर निकल जाएगा. और फिल्टर को किस तरीके से क्लीन करना है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाकर रखी हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी. आप प्लीज उस लिंक पर जाकर विजिट करें. एंड इस तरीके से हम इसको प्लेस करेंगे और क्लॉकवाइज हम घुमा देते हैं तो ये हमारा फिल्टर जो है लॉक हो जाएगा. अगर बहुत ज्यादा बड़े पार्टिकल सपोज राइस हो गए, हम अगर अपनी प्लेट में राइस छोड़ देते हैं और उसी तरीके से अगर हम डिशवॉशर में रखेंगे तो फिल्टर के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा एंड इसकी वजह से हमारे जो डिशवॉशर की जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो इजिली नहीं हो पाएगी. मशीन के ऊपर लोड पड़ेगा एंड हमारे जो यूटेंसिल्स हैं वो क्लियरली क्लीन नहीं होंगे. यहाँ पर मैंने ये पूरी रो को फोल्ड कर दिया है एंड यहाँ पर मेरे पास में काफी स्पेस मिल गई है तो ये मैंने भगोनी को इस तरीके से उल्टा करके रख दिया है. याद रखें बर्तनों को हमेशा उल्टा करके डिशवॉशर में प्लेस करना है, ना कि इसको इस तरीके से अपसाइड डाउन में जहां पर जिस तरीके से हम खाते हैं उस तरीके से हमें प्लेस नहीं करना है. रीजन बिहाइंड दिस इज दैट जब डिशवॉशर क्लीन करता है बर्तनों को तो उसमें से पानी गिरता है एंड डिटर्जेंट वगैरह सारा गिरता है. अगर हम इस तरीके से बर्तनों को हॉलो साइड की तरफ ऐसे बर्तनों को डिशवॉशर में रखते हैं तो यहाँ पर सारा पानी जो है और जो भी गंदगी है वो कलेक्ट हो जाएगी एंड जो हमारा यूटेंसिल है वो क्लीन नहीं होगा. सो मेक श्योर कि आप बर्तनों को इस तरीके से हमेशा पलट के रखें तो इंटरनली भी आपके बर्तन क्लीन हो जाएंगे, पानी की क्लॉगिंग नहीं होगी एंड पूरा जो बर्तन है आपका क्लीन हो जाएगा, कोई भी स्टैग्नेंट पानी यूटेंसिल में नहीं रहेगा. तो यहाँ पर मैंने बर्तन लगा दिए. अब प्लेट्स को लगाने का तरीका आप ये देखिए, इस तरीके से प्लेट्स लगाई जाएंगी. एक डिवीजन में एक प्लेट लगेगी एंड दोनों प्लेट्स में गैप रहेगा. सो अब आप ये देख सकते हैं कि सारी प्लेट्स में गैप है. अब मेरे पास में यहाँ पर स्पेस छूटी हुई है तो अब मैं देखती हूँ कि मुझे क्या क्या बर्तन रखने हैं जो मेरे पास में गंदे हैं. अभी ये मेरे पास में बर्तन है. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बर्तन में थोड़ा सा लिक्विड है बट लिक्विड ड्रेन हो सकता है इसलिए हमें वरी नहीं करना. जो हार्ड सॉलिड पार्टिकल होता है उसको हम रिमूव कर दें तो वो ज्यादा अच्छा होगा. अब इसको मैं इस तरीके से पलट लेती हूँ. पैनल के लिए मेरे पास में इतने ही बर्तन थे. अब इसको मैं आराम से
अंदर इस तरीके से रैक को कर दिया। अब मैं दूसरी रैक निकालूंगी एंड अब इसमें मैं बर्तन बाकी और लगाने शुरू करती हूँ, जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं। ये मेरे पास में ग्लासेस हैं, ग्लासेस को सेंटर में इस तरीके से रख दूंगी। गंदे कप्स हैं, उनको भी मैं इधर की तरफ लगा दूंगी। बाउल के लिए ये बाउल थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ पर भी डिविजन है, ये मेरे लिए यूजलेस है अभी क्योंकि मेरे पास में उस तरीके से बर्तन नहीं है धोने के लिए, तो मैं इनको बिल्कुल नीचे कर दूंगी। एंड बाउल के लिए मेरे पास में काफी सफिशियंट स्पेस हो गया, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से बाउल्स को रख दूंगी। जो भी बड़े बड़े बाउल्स हैं उनको मैं इस तरीके से लगा दूंगी। यहाँ पर छोटे बाउल्स की स्पेस है यहाँ पर, तो मैं छोटे बाउल्स को भी लगा दूंगी। अब यहाँ पर दो पैनल्स हैं जो कि एडजस्टेबल है, बेसिकली चमचे या चम्मच रखने के लिए दे रखा है, बट अगर हमारे पास में ऊपर स्पेस है तो हम उसको यूटिलाइज कर देते हैं। करंटली मेरे पास में ये सारे बर्तन थे, अगर आपके पास में और ज्यादा बर्तन है तो कंफर्टेबली आप इजिली यहाँ पर इस पैनल पर भी लगा सकते हैं, इस रैक में लगा सकते हैं। मैंने इस रैक को अंदर रख दिया। अब मैं ऊपर का रैक खोलूंगी और अब यहाँ पर उल्टा एक करके सारी स्पून्स को मैं रख देती हूँ। तो ये जितने भी बर्तन मेरे पास में गंदे थे वो मैंने प्लेस कर दिए और अब मैं इस तरीके से इनको अंदर रख दूंगी। नेक्स्ट स्टेप इज कि अब हम इसमें टैबलेट डालते हैं। सो टैबलेट बहुत सिंपल है, मैंने यहाँ पर कहीं पर भी टैबलेट रख दी, अपने आप वो क्लीन हो जाएगा, अपने आप डिजोल्व हो जाएगी वो पानी में, एंड उसके अलावा हमें किसी और डिटर्जेंट की जरूरत नहीं है। अब हम डिशवॉशर को बंद कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैनल देकर रखा हुआ है, अलग अलग फंक्शंस देकर रखे हुए हैं। ये है स्टार्ट का बटन, यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया। ये है प्रोग्राम्स, अलग अलग प्रोग्राम्स दे रखे हैं। ये प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी सारी क्वेरीज आती है मेरे पास में कि डिशवॉशर बहुत टाइम लेता है, बट ये मोड्स दे रखे हुए हैं किस मोड के हिसाब से हमें बर्तन धोने कितनी यूटिलिटी है, उस मोड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये मोड दे रखा हुआ है, दैट इज जेट वॉश। जेट वॉश का मतलब ये होता है कि अगर आपके बर्तनों में मिट्टी लगी हुई है, सपोज आप कहीं चले जाते हैं एंड फिर उसके बाद में जब 3-4-5 दिन के बाद में आते तो आपको बर्तनों में हल्की सी चिपचिपाहट महसूस होगी या हल्का मिट्टी जैसा महसूस होगा, तो आप जेट वॉश को क्लिक करके इस तरीके से प्रोग्राम पे क्लिक करके एंड इसको स्टार्ट कर दीजिएगा। तो ये मैंने जेट वॉश को सिलेक्ट किया एंड ये आप टाइमर देख सकते हैं कि 15 मिनट में हमारे जो बर्तन है वो क्लीन हो जाएंगे। यहाँ पर इसी सेम बटन से हम स्टार्ट करेंगे और इसी सेम बटन से हम पॉज कर देंगे, तो यहाँ पर मैंने पॉज कर दिया। अब हम सेलेक्ट करते हैं दूसरा मोड। यहाँ पर मैंने 40 डिग्रीज का मोड सेलेक्ट किया है, ये टाइमिंग है 35 मिनट्स लेगा। 35 मिनट्स में आपके जो बर्तन है वो काफी अच्छी तरीके से क्लीन कर देगा एंड पानी से रिंस कर देगा, बट ड्राई नहीं करेगा क्योंकि 40 डिग्रीज में ये सिर्फ बर्तनों को धोता है एंड अच्छी तरीके से साफ कर देता है, रिंस कर देता है, ड्राई नहीं करता। एंड ये आपको मैं दिखा देती हूँ, हाफ लोड का मतलब इस तरीके से होता है कि ये हाफ लोड के एरोज आ रहे हैं, ये हाफ लोड हो गया एंड ये डबल लोडेड हो गया कि हमारा जो रैक्स है वो पूरी तरीके से डबल लोड हो गया और हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। नाउ वी कम टू अनदर प्रोग्राम। यहां से मैंने इस प्रोग्राम को सेलेक्ट किया एंड ये आ गया इको मोड। इको मोड का मतलब होता है कि हमारे जो बर्तन है काफी गंदे हैं, ग्रीसी हैं और 50 डिग्री टेम्परेचर में उनको सफाई चाहिए। सफाई मतलब कि जिससे कि उसका ऑयल है, ग्रीस है, वो निकल जाए, अच्छी तरीके से क्लीन करेगा एंड रिंस करेगा। तो थोड़ा सा अपने आप ही इसमें डिशवॉशर में होता है कि पानी जो है वो अपने आप गर्म हो जाता है एंड फिर हमारे बर्तन जो है वो 50 डिग्रीज के टेम्परेचर पे जब पानी गर्म हो जाता है तो अच्छी तरीके से वार्म पानी से हमारे सारे बर्तन धुल जाते हैं। अब नाउ वी कम टू अनदर प्रोग्राम। यहाँ पर 65 डिग्रीज टेम्परेचर आप देख सकते हैं। 65 डिग्रीज टेम्परेचर में डिशवॉशर आपके बर्तनों को अच्छी तरीके से धोएगा, रिंस करेगा एंड ड्राई भी करेगा, बिल्कुल सुखा देगा। एंड यहाँ पर इसके टाइमिंग आ रहा है कि 59 मिनट्स में, मतलब एक घंटे में आपका ये तीनों प्रोसेस होके आपके बर्तन जो है वो बिल्कुल सूख जाएंगे और जितना भी ग्रीस गंदगी है वो आपके बर्तनों को क्लीन कर देगा। बेस्ट ऑप्शन है कि जब भी आप अपने बर्तनों को धोएं और आपके बर्तन काफी ग्रीसी या ऑयली होते हैं तो आप इको मोड में लगाएं। नाउ वी गो टू अनदर प्रोग्राम। इसका टेम्परेचर 50-60 डिग्रीज है। प्रोसेस वही है कि आप अपने ऑयली ग्रीसी बर्तनों को धो सकते हैं बट इसके यहाँ पर टाइमिंग ज्यादा लेगा। बट आई थिंक कि आप जब कभी भी डिशवॉशर को यूज करें सो आप इको मोड से लेकर जिसमें 50 डिग्रीज तक का टेम्परेचर है मैक्सिमम, आप उधर तक ही यूज करें। 50 डिग्रीज से यहां तक का टेम्परेचर है, आई गेस उतनी यूटिलिटी नहीं है बिकॉज 70 डिग्रीज का जो टेम्परेचर होता है वो काफी हाई होता है। अब यहाँ पर और ऑप्शंस देके रखे हुए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं, जैसे डिले टाइमर। सपोज आपके पास में अर्जेंटली कुछ काम आ गया एंड आप प्रॉपरली या तो बर्तन वगैरह नहीं प्लेस कर पाए या फिर किसी भी रीजन की वजह से आपको डिशवॉशर ऑपरेट नहीं करना, तो आप डिले टाइमर पर आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिशवॉशर को ऑपरेट कर सकते हैं, तब आपका डिशवॉशर जो है ऑपरेट होगा एंड आपके बर्तन धुल जाएंगे।
एक्स्ट्रा हाइजीन के लिए, वैसे यूटिलिटी नहीं है बट स्टिल ऑप्शन दिया हुआ है एक्स्ट्रा हाइजीन, एक्स्ट्रा हाइजीन के लिए यहाँ पर काफी और अच्छी तरीके से हाइजीनिकली आपके बर्तन क्लीन करेगा। एक्स्ट्रा हाइजीन का मतलब ये होता है कि लाइक देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग का मतलब है कि आपके जो बर्तन है वो बिल्कुल स्टरलाइज कर देगा, विच आई थिंक कि आपके इको मोड से लेकर एंड 30-50 डिग्री टेम्परेचर में आपके जो बर्तन है वो बिल्कुल क्लीन हो जाने चाहिए। स्टिल यू वॉन्ट कि बिल्कुल स्टरलाइज हो जाए, तो आप एक्स्ट्रा हाइजीन ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा रिंस के लिए सपोज आपको लगता है कि बर्तन उस तरीके से क्लीन नहीं हो पाए हैं या फिर बर्तनों को पानी से थोड़ा सा और निकाल दिया जाए, तो आप एक्स्ट्रा रिंस का बटन दबा सकते हैं और जो पानी है वो अच्छी तरीके से बर्तनों को क्लीन कर देगा। अब जो मैंने बर्तनों को लोड किया है, अब मैं इको मोड पर इस टाइमर को सेट कर देती हूँ क्योंकि मेरे बर्तन जो है वो गंदे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इको टाइमर पर सेट कर दिया है एंड जैसा कि मेरे दोनों तरफ में काफी लोडेड हैं एंड काफी गंदे हैं बर्तन, तो ये 2 घंटे के आसपास में लेगा मेरे बर्तनों को धुलने के लिए। अब यहाँ पर मैं स्टार्ट कर देती हूँ एंड अभी अपने आप ऑटोमेटिकली पूरा क्लीन कर देगा बर्तनों को, रिंस कर देगा एंड कम्प्लीटली ड्राई कर देगा। सो जब कभी भी मुझे मॉर्निंग में बर्तन चाहिए, जितने भी बर्तन चाहिए उतना निकाला मैंने, उनको यूज किया एंड वापस मैं डिशवॉशर में बर्तनों को डालकर एंड इजिली धो सकती हूँ। एंड अब हम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अगर अब हमारा डिशवॉशर पूरा प्रॉपरली लोड है, ऊपर से नीचे तक सारे का सारा जो रैक्स हैं वो भरी हुई हैं, तो क्लीनिंग के लिए डिशवॉशर 2 घंटे अगर हमारा डिशवॉशर चलता है तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 यूनिट लेता है, 1.5 टू 2 यूनिट मैक्सिमम लेगा आपका डिशवॉशर एंड आपके बर्तन जो है वो कम्प्लीटली क्लीन हो जाएंगे एंड ड्राई हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट, इसकी कॉस्ट कितनी है? MRP है इसकी अप्रोक्सीमेटली 45,000। आप मार्केट में जाएं, अलग अलग शॉपीज पे जाएं, तो आपको ये 42,000 से लेकर 45,000 के बीच में बिल्कुल मिल सकता है। हेल्प की तरीके से काम करता है, जहां पर लोगों का स्केड्यूल बहुत बिजी रहता है, वो नहीं सारी चीजें अरेंज कर पाते, तो बेटर है कि सारे के सारे अपने जो बर्तन है वो डिशवॉशर में प्लेस किए, प्रॉपरली लोड किए एंड वो अपने काम के लिए जा सकते हैं। वापस मशीन को दोबारा देखने की जरूरत नहीं होती। डिशवॉशर काफी ज्यादा हेल्पफुल है हाइजीनिकली, हमारे जो बर्तन है उनको बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करता है, बिल्कुल स्टरलाइज कर देता है। अगर हम अपने आप से खुद से हाथ से बर्तन धोते हैं या फिर मेड से धुलवाते हैं, तो आपने देखा होगा कि कहीं कहीं जगह पर डिटर्जेंट छूटा होता है या फिर पानी के स्टेन्स या ग्लासेस में, जब आपने देखा होगा ग्लासेस या प्लेट्स में स्टेन्स लगे रहते हैं पानी के, क्योंकि हम लोग उसको डायरेक्टली फिर सुखाते नहीं है। यहाँ पर डिशवॉशर में कम्प्लीटली पानी को बिल्कुल ड्राई कर दिया जाता है एंड बर्तन की शाइनिंग बिल्कुल खत्म नहीं होती। सो आई थिंक IFB का डिशवॉशर वर्थ इट है, अपनी जो उसकी जो वैल्यू है उसको कम्प्लीटली जस्टिफाई करता है। अब हम डिशवॉशर को थोड़ी देर बाद में खोलेंगे जब उसका टाइमर पूरा कम्प्लीट हो जाएगा एंड हमारे डिशवॉशर के अंदर जो भी बर्तन है वो कम्प्लीटली क्लीन हो जाएंगे। उसके बाद में देखते हैं कि IFB का डिशवॉशर नेपच्यून SX1 कितना सक्सेसफुल है काफी गंदे बर्तनों को क्लीन करने में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे बर्तन जो है वो कम्प्लीटली धुल चुके हैं और मैंने पावर ऑफ कर दिए एंड अब देखते हैं खोल करके हमारे बर्तन अंदर किस तरीके से धुले हैं। सो ये मैंने डिशवॉशर को इस तरीके से ओपन किया एंड आप ये देख सकते हैं कि हमारे जो बर्तन है डिशवॉशर में कम्प्लीटली धुल चुके हैं। मैं एक एक रैक करके आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने हर तरीके की प्लेट्स लगाई थी, बिल्कुल साफ हो चुकी है, काफी ग्रीसी प्लेट्स थी मेरी एंड ये आप देख सकते हैं सारी की सारी जो चीजें हैं वो काफी अच्छी तरीके से धुल चुकी हैं, बिल्कुल क्लीन हो चुकी हैं। मैं आपको बाउल्स को पलट के दिखा देती हूँ। ये देखिए बाउल जो है मेरा, कटोरी जो है वो कितनी साफ हो गई है, बिल्कुल शाइन कर रही है। सबसे बड़ी बात होती है डिशवॉशर में कि बर्तनों की जो शाइनिंग है वो खत्म नहीं होती। ये मैंने पतीला मांजा था और ये कितना गंदा हुआ था पतीला, और ये पतीला जो है वो बिल्कुल साफ हो गया है। ऊपर वाली रैक को खोल के देखते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे जो बर्तन है वो काफी अच्छी तरीके से क्लीन हो गए हैं। ग्लासेस आप ये देखिए, ग्लासेस जिसमें जूस था और काफी गंदा हुआ था वो बिल्कुल साफ हो गए हैं। बहुत एक अलग शाइनिंग आती है जब डिशवॉशर में बर्तन धुलते हैं, ये आप देख सकते हैं। आई एम एक्चुअली वेरी सेटिस्फाइड विद दिस डिशवॉशर, क्योंकि एक तो इसमें काफी सारे ऑप्शंस हैं जो कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं, काफी सारे प्रोग्राम्स हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम टाइमर को एडजस्ट कर सकते हैं, काफी सारे फंक्शंस हैं एंड बहुत ही क्लीन तरीके से, बहुत ही साफ तरीके से डिशवॉशर जो है वो बर्तनों को धोता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू थैंक अवनी जिन्होंने ये डिशवॉशर की यूनिट मेरे घर तक डिलीवर करवाई, सारी चीजें अरेंज करवाई, जिससे कि मैं इजिली एंड कंफर्टेबली ये वीडियो बना सकूं इस यूनिट के ऊपर एंड आप लोगों तक इस रिव्यू को प्रेजेंट कर सकूं। तो थैंक्स अ लॉट अवनी फॉर अरेंजिंग ऑल द थिंग्स। सो फ्रेंड्स,
होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें.